बोलिए गुरुदेव भगवान की, ये बड़ाई सौभाग्य है। परम पूजनीय गुरुदेव जी का आदेश हुआ है, ये हमारे लघु भाई पुष्पेंद्र शास्त्री जी जो अभी हमारे पावन गांव मैनी में आज से कथा का प्रोग्राम जो शुभारंभ होने को जा रहा है, सुबह भैया जी का आगमन हुआ और मुझे तो पता ही था कि गुरुदेव की कथा चल रही है बराबर में। तो दोनों भाइयों ने विचार किया गुरुदेव के पास में जाकर के गुरु जी के थोड़े दर्शन हो जाए। तो दोनों भाई मिलकर के आए, गुरु जी ने हमें आदेश दिया है तो आइए चलते हैं। गुरु जी ने तो दूसरी जगह भेज दिया। और सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की हुई कि गुरु जी ने हमें बहुत बड़ा आदेश दिया, बेटा परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी दुनिया में नहीं रहे, फिर भी जब आप हमें याद करोगे, हम हर पल आपके साथ हैं, तो हमें केवल गुरु जी से यही उम्मीद थी और गुरु जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो आइए चलते हैं। अभी गुरुजी ने कहा था कि वो गाना एक नेट पे सुना था, हुआ तो अभी मैं जिला कानपुर में जब कथा कह रहा था मिंडा हुआ मैं तो ये गाना गाया था। किसी फिल्मी दुनिया वालों ने गाया था, मगर यह गीत उस समय का है जिस समय द्रौपदी सभा में घिर जाती है, उस समय भगवान श्याम को याद किया और बोली, मेरी पारी आज श्याम तेरी
पंडित जी के पास में हर कला था, खेलना नहीं आता था। और नाव जब हमर में है पर पार बिना प्रभु के कोई लगाने वाला नहीं है। तो गुरुदेव एक धुन आई थी, तो रावण ने पूछा कि तेरा नाम कहाँ है। तो बजरंग बली ने जब सीना को चीरा और वो झांकी जब राम सिया की देखी, मगर कहना बताया है।